देने का काम करते हैं। साथियों, जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये मत कहना साथियों कि राजनीति की बातें चल रही है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं जिनके सम्मान में हम यहां पहुंचे हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी का जो लगभग 650 पूर्व जो मंदिर था दिल्ली के अंदर, उसको जो तोड़ा गया है, हम उनके सम्मान में यहां पहुंचे हैं। लेकिन ये संत महात्मा जी माध्यम से ये जो आपका इतिहास है इसको बनाने की का इन्होंने प्रयास किया है, इसको मिटाने का प्रयास किया है। धन्यवाद भाई राकेश चोपड़ा जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कांग्रेस चंद्र प्रकाश जी वो आए और चंद्र मित्रों में अपनी बात रखे। कांग्रेस चंद्र प्रकाश जी, पहली बार मैं आप आई हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरा परिवार, मेरा समाज, खुद सब लोग यहाँ है, पर मैं पहली बार आई हूँ इस तरह के किसी प्रोग्राम में या किसी दलित समाज। आज इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैं आज पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब ये बात तो देखो सबको पता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हम हमेशा से पीछे रहे जा रहे हैं, हमेशा हमें दबाया जाता है, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि आज अगर हम अब तक इतने सालों जो अम्बेडकर बाबा साहब ने किया, अम्बेडकर जी ने जो किया, उसके बावजूद आज तक हम इतने पीछे क्यों हैं? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज अगर हम इतने पीछे हैं तो उसका कारण हम खुद है। हम खुद क्यों है मैं आपको बताती हूँ, और प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दोनों एक इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहूँ। आज हम इतने पीछे क्यों हैं? सबसे पहला कारण ये है कि हम खुद नहीं चाहते हम आगे बढ़े। आज आपने देखा होगा अपने अपने घरों में, परिवारों में, कुटुंबों में, अपने पास उसके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बड़े अच्छे कदम कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका छोटा भाई नहीं पढ़ रहा है। अपने आप को इतना सीमित मत रखो कि आज अगर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं कामयाब हूँ, आज अगर मेरे मैंने पेट भर के खा लिया तो मैं सक्षम हूँ अपने जीवन को अच्छे से जी रही हूँ, ये गलत है। आपको अपने गली से, मोहल्ले से, अपने घर से, अपने कुल में से ही ये समाज सेवा शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ एक भीड़ दिखाने घर से कुछ नहीं होता, आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हमारे समाज का कोई बच्चा, हमारे गली का कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसे मोटिवेट करो, उसे बताओ, उसे जगाओ। आज हमारे समाज के जो जैसे अभी बोलने पहले जो सर बता रहे थे कि हमारे समाज के 50% लोग नशे में जा रहे हैं, तो वो क्यों जा रहे हैं? आज हमारे बच्चे जब नशा करते हैं, आज हम जब तक हमारे घर में लगती है ना तब हम जागते हैं, हमें फर्क पड़ा। अगर हमारे बड़े भाई का बेटा पर शराब पी रहा है, हुक्का पी रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कैसे कराओ बाबा, हमने क्या करना है? आप लोग एक बार बता दो सच में ये होता है कि नहीं होता है? होता है ना? आप लोग भी ये चीज आपने, मैं गारंटी देती हूँ हर एक इंसान ने ये चीज अपने जीवन में खुद महसूस की होगी कि मेरे लिए मेरे बहन ने नहीं सोचा, मेरे लिए मेरे भाई ने नहीं सोचा, मेरे लिए शायद मेरी औलाद नहीं सोची। तो मैं ये कहती हूँ जब आप सबके लिए सोचोगे तो सब आपके लिए सोचेंगे। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फैसला करके चाहिए कि जब हमारी गली का कोई बच्चा नशा कर रहा है तो हमें उसको भी रोकना है, हमारे पड़ोसी का कोई बच्चा गलत कर रहा है तो हमें उसको भी रोकना है। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक मुझे लगता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक उंगली आपस पांच लीटर बाल्टी ही नहीं उठाते, पांच लीटर पानी की बाल्टी नहीं उठाते, पर जब ये मुट्ठी बनती है ना 50 किलो का कट्टा आप एक हाथ उठा सकते हो, तो मुट्ठी कैसे बनेगी? सिर्फ एक रेणु काला से नहीं बनेगी, एक उसके पूरे परिवार से बनेगी। और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, मैं अपने हस्बैंड को थैंकफुल होती हूँ कि वो आए हैं यहाँ चोखड़ा जी मदीना से, कि वो मुझे इतनी हेल्प करते हैं, मैं अपने पूरे परिवार को थैंकफुल होती हूँ कि वो लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं कि मैं आज यहाँ हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों को ये देखना चाहिए कि हमारे आस पास की बुराई है तो उसे रोको, पर हम नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते? इसका भी एक कारण है, क्यों नहीं रोकते? क्योंकि हमें सिखाया ये गया है कि आप बुरा
आज मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि इस चीज को सोचिएगा लोग जो मैंने कहा, बाकी समाज के लिए कोई किसी पार्टी से जुड़े वो उनका पर्सनल निजी मामला होता है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन किसी भी पार्टी में जुड़ के इंसान को अगर जब अपनी समाज अगर हमारे समाज की तरफ कोई उंगली उठाता है तो मैं सबसे पहले खड़ी हूँ अपने समाज के लिए, अगर जान देनी पड़ती है तो मैं हम हल्के से आज नहीं उतरा ये कहती है। Okay।